अप्रैल के महीने में भी अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वापस से आईपीओ का सिलसिला चालू हो गया है। बहुत से आईपीओज ऑलमोस्ट डेली मार्केट में उतर कर आ रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो कर सकते हैं। इस बार कंपनी का नाम है तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक। पूरा आईपीओ का साइज है लगभग 44 करोड़ यानी कंपनी इस आईपीओ से 44 करोड़ रुपए के करीब रेज करने की कोशिश कर रही है। अब पहले जान लेते हैं कि तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड नाम की कंपनी करती क्या है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2019 में। ये कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सीवेज, वाटर सप्लाई इन सभी का काम करती है मध्य प्रदेश के अंदर। इनफैक्ट इस कंपनी ने इंदौर के अंदर एक रेजिडेंशियल टावर भी बिल्ड किया है। अब बात करते हैं वापस आईपीओ की। इस 44 करोड़ रुपए के आईपीओ के अंदर लगभग 40 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू होने जा रहा है। कंपनी ने इस आईपीओ के अंदर प्राइस बैंड तय किया है 111 रुपए प्रति शेयर, 1200 शेयर्स का लॉट है, विच मींस अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर वन लॉट होगी 1,33,000 रुपए के करीब। वहीं अगर आप एक एचएनआई हैं तो ये अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा डबल। अब इस आईपीओ के अंदर इशू होने वाले सभी शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए प्रति शेयर। इसका फिलहाल जीएमपी चल रहा है 12 रुपए प्रति शेयर का। इस आईपीओ के अंदर 50% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए और 50% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं अदर्स के लिए। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर है इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और इसके रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और उम्मीद है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट में 16 अप्रैल 2024 को। तो अगर आप भी तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड नाम की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो ये हमने दी आपको पूरी और राइट इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आने वाले तमाम आईपीओ की अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब करें पैसा लाइव। और याद रहे हम आपके पास यहाँ सिर्फ आईपीओ की राइट इन्फॉर्मेशन एंड नाम लेकर आते हैं, हम आपको उसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की सलाह नहीं देते हैं।